हम पर जो आरोप लगाते हैं ये तीन परिवार वाले, मैं उनको हिसाब किताब पूछने आया हूं। 70 साल तक मेडिकल की 1947 से 2014 तक 500 सीट थी। जरा हॉल वाले एक साथ बोले कितनी सीटें थी भाई, जोर से बोलो जरा कितनी। आज 1150 एमबीबीएस की सीटें 500 की जगह हो चुकी है और 1100 होने वाली है। 2019 के बाद यहां कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया कि यहां कर्फ्यू क्यों डाला गया है, यहां इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया। मैं तो जवाब देता हूं मगर पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70 साल आपके तीन परिवारों ने ही यहां राज कराया, हम तो 2-2.5 साल राज में रहे, तीन परिवारों ने राज किया है, 40,000 लोग क्यों मारे गए, क्या जवाब है आपके पास? और उस वक्त जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने का एक कार्यक्रम बना था, षड्यंत्र था, कुछ विदेशी ताकतें भी वो षड्यंत्र में जुड़ी थी, अगर हम कर्फ्यू न करते तो न जाने कितने बूढ़े बाप अपने युवा बेटों का जनाजा कंधे पर लेकर जनाजे निकालते। कौन बचा है कर्फ्यू डालने से, कोई मुझे बताएगा कौन बचा है? कश्मीर का युवा बचा है, इंटरनेट बंद किया कश्मीर का युवा बचा है। आज परिस्थिति सामान्य है, सब खोल दिया, सब रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रहा है, कोई कर्फ्यू नहीं है। लिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आएगा। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोड मैप है मित्रों। 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत लोकतंत्र तीन परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है।